अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। यहाँ पर टाइम 4 बज गए हैं और इस टाइम पे चाय पीने का दिल करता है, साथ में कुछ हल्का फुल्का खाने को भी हो तो बस फिर मज़ा ही अलग है। तो आज मैं वनीला केक, जो प्लेन केक होता है, वो बना रही हूँ इवनिंग टी के साथ। हर दफ़ा मैं चॉकलेट केक बनाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। तो वनीला केक, जो स्पंज केक होता है, बहुत सॉफ्ट बना था। तो सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं इसके लिए, और 3 अंडों में मैंने शामिल किया है 1/2 कप मिल्क, और फिर उसके ऊपर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर लिया है। कुछ लोग बटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बटर यूज़ नहीं किया क्योंकि जो केक अगर ऑयल में बनता है ना तो वो सॉफ्ट बनता है, उसको अगर फ्रिज में भी रख दो तो वो फिर हार्ड नहीं होता, इसीलिए मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अगर बटर यूज़ करना चाहें। और अच्छे से मैंने उस मिक्सचर को मिक्स कर दिया था और ऊपर से मैंने एक छलनी रखी है, और छलनी पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डाल दूंगी और उसको अच्छे से छान लूंगी। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास 1.5 कप मैदा है, और 1/2 कप शुगर लिया था, आइसिंग शुगर, और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेके इसको छान लेंगे और जो पहले का जो मिक्सचर था उसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया, मैंने कोई अवन यूज़ नहीं किया, सिंपल पतीले में मैंने ये केक बनाया है और ये बहुत स्पंजी, सॉफ्ट और बाज़ार वाले केक जैसा बना था। तो मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रही थी कि वो बच्चे भी आराम से, शौक से खाएं। तो ये इसका बैटर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे एक मोल्ड, मोल्ड के अंदर अच्छे से बटर लगा लूँगी मैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, अगर आप बटर पेपर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया है ताकि नीचे केक ना लग जाए, तो मैंने बैटर सारा उसमें मैंने डाल दिया है मोल्ड के अंदर। आप इस बैटर को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स बने हैं वो ख़त्म हो जाए। और एक पतीला लिया था मैंने, हैवी बॉटम का होना चाहिए, उसके अंदर मैंने एक स्टेन रख दिया है और स्टेन के अंदर मैंने केक का मोल्ड रख दिया है। और इसको प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप रख दें और मीडियम टू हाई फ्लेम में आप पहले 2 मिनट पकाएँ फिर लो कर दें। यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ जो केक बनाते हुए यूज़ हुए थे। मैं वैसे तो साथ साथ सब कुछ समेटती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ, फिर भी जितनी कोशिश कर लो, कुकिंग के बाद एंड में मैस अप हो जाता है किचन। तो ये बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए हैं, और उसके साथ ही मैं सिंक भी साफ़ कर लूँगी। सिंक में दिन में एक बार साबुन से अच्छे तरीके से धोती हूँ। नॉर्मली मैं ये काम रात को करके सोती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो चलो सिंक भी क्लीन कर लेते हैं। और सिंक हमारा क्लीन हो गया है। साबुन से अच्छे से धोने से ये होता है कि उसमें जो स्मेल होती है वो नहीं होती और उसमें चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। मुझे वैसे शाम की चाय की एडिक्शन नहीं है, मैं नहीं पीती, मैं मॉर्निंग में 1 कप अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ और पूरा दिन मुझे फिर क्रेविंग नहीं रहती चाय की। लेकिन मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो उनका दिल होता है कि वो पिएं, तो जब मैं उनके लिए बनाती हूँ तो ख़ुद के लिए भी थोड़ी सी बना लेती हूँ और हम मिलके पी लेते हैं। और अक्सर वो लेट भी आते हैं और वो जब बहुत लेट आते हैं तो फिर मैं नहीं बनाती। तो अब यहाँ वो आ गए हैं और अब मैं केक चेक कर लेती हूँ। 30 to 35 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी इसका जो टूथपिक है वो क्लीन नहीं निकला, इसका मतलब इसके 15 मिनट्स मजीद हैं। अगर टूथपिक क्लीन ना निकले 35 मिनट्स के बाद भी तो इसका मतलब है आपको 15 मिनट्स उसको मजीद रखना है। और तब तक टाइम है हमारे पास, रात को मैं टर्किश चिकन बनाने वाली हूँ। डिनर में अभी है काफ़ी टाइम, लेकिन चिकन की मैरिनेशन करनी है तो मैं वो कर लेती हूँ ताकि हमारा आधा काम हो जाए। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1/2 किलो, बोनलेस चिकन है। सॉल्ट टू टेस्ट, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लिया है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून,
और गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून लेना है। टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर मैंने। विनेगर लेना है सिरका 1 टेबलस्पून और दही लेना है 1/2 कप। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि हमारा केक रेडी है या नहीं है। ये देखें, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल आया है, इट मीन्स इट्स रेडी। अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी और केक के अराउंड चम्मच चलाऊँगी ठंडा होने से पहले। और अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद प्लेट में निकाल लूँगी। गरम गरम निकालेंगे तो केक टूट जाएगा। मैं कुछ भी कुक कर लूँ, मेरे माइंड में बच्चे होते हैं हमेशा, मैं कुछ ऐसा कुक करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ जो बच्चे भी खाएं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है, बहुत मज़े का बना था और बिल्कुल बाज़ार जैसा बना था। तो अब हमारी चाय भी रेडी हो गई है, हम अपनी इवनिंग टी इन्जॉय कर लेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आया करूँ। ये 10 मिनट की वीडियो है लेकिन इसमें पूरे दिन की मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ टाइम 7 बज गए हैं और अब बर्तन वगैरह समेटने के बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैरिनेशन तो ऑलरेडी हमने की हुई है, अब हमारा काम आसान हो गया है। एक पैन लिया, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इस ऑयल में पोर कर दूँगी और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लिड बंद करके जब तक चिकन डन नहीं होता तब तक पका लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वाइट सॉस बना लेंगे अब। और उसके लिए हमें चाहिए एक पॉट, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ और उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी और चम्मच को कॉन्टीन्यूसली चलाऊँगी फॉर 1 मिनट टू मेक श्योर कि नीचे से जल ना जाए। अब 1.5 कप दूध इसमें शामिल कर लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर लूँगी और साथ ही 1/4 टीस्पून ड्राइड ओरिगानो भी ऊपर से डाल देना है और इतना कुक कर लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए या फिर आपको जितनी चाहिए उतनी देर हम कुक कर लेंगे। और चिकन भी गल गया है, अब फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे। सॉस भी हमारा रेडी है, इसकी ये जो कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। और यहाँ मैं चीज़ अब ग्रेट कर लूँगी। टर्किश चिकन में चीज़ भी डलता है तो इसमें मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और इसको अब मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी और फिर इसको कब डालना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैं धनिया वॉश कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये जो चिकन हमने रेडी किया था इसको मैं दूसरे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि जो पहले वाला था उसका बेस थोड़ा खुला था, इसको मैं थोड़े छोटे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ और ऊपर से जो सॉस हमने रेडी किया था वो पोर कर रही हूँ और ऊपर से जो चीज़ था हमारा मैं हमने ग्रेट करके रखा है वो इसके ऊपर डाल दूँगी और साथ ही धनिया लीव्स के साथ इसको मैं गार्निश करके 2 मिनट दम दूँगी ताकि इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें कितने मज़े का बना था, बहुत बहुत डिलीशियस बना था, आई स्वेयर। मैंने इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है और बहुत ही मुझे मज़े का लगा है। अब मैं बनाऊंगी अपने जो है डिनर में, इसको शामिल कर लूंगी फ्रीक्वेंटली। और ऐसे लग रहा था जैसे मुंह में जाके ना चिकन मेल्ट हो रहा है, बहुत यमी बना था। तो यहाँ हम अपना डिनर कर लेंगे। खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और बर्तन वॉश कर रही हूँ जो आप सब लोग भी करते होंगे ऑब्वियसली। और सिंक वगैरह स्टोव वो मैंने इवनिंग में ही क्लीन कर लिया था तो जस्ट पानी से किंगा लूँगी और स्टोव के ऊपर जो ऑयल के ड्रॉप्स थे वो मैं सिंपल कपड़े से पोंछ लूँगी और काउंटर टॉप को भी गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। और फिर सोने से पहले मेरा एक काम होता है कि मैं सारी लाइट्स चेक करती हूँ घर की और हर चीज़ चेक करती
देखती हूँ कि सब सही है, अपनी जगह पर है, फिर मैं जाके सो जाती हूँ। यही थी आज के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।